to my channel. You are watching Queen Neha and as you know, I am Neha. So guys, आज बहुत दिनों के बाद मैं एक रिव्यू का वीडियो आप सभी के लिए शूट कर रही हूँ. आई नो कि बहुत दिन हो गए हैं मेरे चैनल में अभी तक बहुत कम वीडियो जो है आना वो शुरू हो गया है, क्योंकि गाइज अगर बताने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है. पर मैं चाहती नहीं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो. अलग सा मैं एक ब्लॉग बना के आप सभी को टोटल जो रीज़न है मैं क्यों नहीं बना पाई आप सभी को बता दूँगी. और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जान पाओगे कि मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. तो बेसिकली नीचे जो लिंक जो जा रहा है जो YouTube का सॉरी एक Instagram का और एक Facebook का है, तो आप डेफिनेटली आप वहाँ जाके मेरे को देख सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली गाइज. सो गाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब कुछ डालूंगी ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो. तो गाइज आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मैं एक पिम्पल क्रीम के यानी कि सॉरी पिम्पल जेल क्रीम के बारे में आप सबके साथ शेयर करूँगी. गाइज हम सब फेयर है, कोई डार्क है, अलग अलग सबका अलग अलग सा कॉम्प्लेक्शन है. बेसिक जो चीज़ होता है कॉम्प्लेक्स अच्छे होने के बावजूद भी हमारी स्किन थोड़ी सी दाग, थोड़ी सी पिंपल या कुछ भी आ जाए तो हमारा स्किन जो है टोटली डल दिखने लगता है. हमारा जो इम्प्रेशन है फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन बन जाता है. तो गाइस मैं यही बताऊंगी कि कौन सा एक क्रीम आप यूज़ करें और वो यूज़ कर लेने के बाद ही जो आपका जो पिंपल वाला जो प्रॉब्लम है गाइस डेफिनेटली वो आपसे दूर हो जाएगा. सो गाइज मैं आज रूप मंत्रा डार्क पिंपल जेल क्रीम रिव्यू करने वाली हूँ. गाइज मेरे को रूप मंत्रा ने कुछ दिन पहले बहुत सारे क्रीम और कुछ प्रोडक्ट्स भेजे, तो वो इनमें से एक है पिंपल जेल डार्क की रूप मंत्रा की डार्क पिंपल जेल. सो गाइज एट फर्स्ट मेरे पिंपल मेरे फेस में आई डोंट नो शायद ये गॉड गिफ्टेड है एंड ऑल पता नहीं, पर मेरे फेस में उतनी ज़्यादा पिंपल प्रॉब्लम होती नहीं है. तो मैंने सोचा कि मैं कभी भी ये क्रीम शायद यूज़ ना करूं, तो मैं नहीं सोचा था. पर कुछ दिन पहले इतनी गर्मी बढ़ गई थी और मैंने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था, उसकी वजह से मेरे फेस में थोड़ी सी यहाँ इस साइड में एक पिंपल आ गया था. तो इसके वजह से मैं तो वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो वो तो अलग बात है अगर वीडियो शूट करती तो शायद आप लोग देख पाते. तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया क्योंकि ना एक बार इसे यूज़ कर लो देखते क्या होता है. रूप मंत्रा वैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैंने एक बार भरोसा करके ये पिंपल डार्क पिंपल जेल यूज़ किया. और उसके बाद फिर मैं क्या बताऊँ गाइस, मैं तब से इस छोटू चीज़ की इतनी बड़ी फैन बन गई हूँ. तो गाइस ये है रूप मंत्रा डार्क पिंपल जेल आयुर्वेदिक मेडिकल जेल. ओके ये कोई क्रीम नहीं है, ये जेल फॉर्म में आता है और ये है 15 ग्राम. इसका प्राइस है 136. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल्स दे दूंगी ताकि आप इजीली परचेस कर पाओ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. मैं अब प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल्स बता दूं. यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट है वो सब कुछ दी गई हुई है. इतनी छोटी इंग्रेडिएंट है कि अगर मैं आपको कैमरा जूम करके भी दिखाऊं आप लोग देख नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं अलग सा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंग्रेडिएंट है वो भी मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोग देख पाओ. क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि इंग्रेडिएंट आप क्यों नहीं बताते. अगर इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाने भी जाऊँ ना तो कैमरा अगर मैं जूम भी कर लूँ फिर भी आप लोग नोटिस नहीं कर पाओगे. हाँ एक गलती मेरी भी है कि अगर मैं चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दूँ, पर अभी से मैं चीज़ का ख्याल रखूँगी. डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. उसके साथ साथ यहाँ पर है रिमूविंग पिंपल. अगर आप सोचते हो कि पिंपल जेल है तो सब कुछ कर लेगा, हमारे स्किन में जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब कुछ ठीक कर लेगा. हाँ वो तो अलग सा बात है कि ठीक कर देगा, पर आप सोच भी रहे हो तो फेयरनेस भी कर देगा अपनी स्किन को, ऐसी कुछ बात नहीं है. पर टोटल मेंशन की गई है हेल्पफुल इन रिमूविंग पिंपल्स, यानी कि पिंपल जो है उसे रिमूव करने में ही ये पिंपल जेल काम आता है. उसके साथ साथ डायरेक्शन टू यूज़, तो कैसे आपको यूज़ करना है. अप्लाई ओवर प्रॉपरली क्लींस्ड एरिया और होल फेस ट्विस ए डे और एज डायरेक्ट बाय द फिजिशियंस. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो क्रीम है सॉरी ये जो जेल है आपको आपके फेस में यानी कि जिस जगह में आपका पिंपल है उसमें एक डे में दो बार आपको यूज़ करना है, यानी कि सुबह और रात को. पर मैं बता दूँ मुझे लगा
कि क्या हो जाएगा, क्रीम है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैंने दिन रात में ही लगाया था, मैंने टू नाइट इसे यूज़ किया था, वो भी दो दिन मैंने यूज़ किया था, एक रात फर्स्ट नाइट एंड सेकेंड नाइट। उसके बाद थर्ड डे जो था मेरा स्किन टोटल पहले वाला नॉर्मल हो गया था, दाग थर्ड डे तक था, फोर्थ डे तक दाग भी चला गया। तो बता दूँ ये सब मेरे साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अलग से बस लिखा है इसलिए नहीं बता रही हूँ। मेरे साथ जो हुआ, मैंने जो फील किया, मैंने वो आप सभी के साथ शेयर किया, ठीक है गाइस। और ये बोले कि डायरेक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, पर अगर आपके स्किन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली एक बार अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही लगाएं। गाइस मेरी स्किन एकदम ड्राई है, तो ड्राई स्किन के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो वीडियो देख लेने के बाद तो ठीक है, मेरे स्किन में इतनी ज़्यादा पिंपल है, मैं यूज़ कर लूँगी तो उसके बाद ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपकी स्किन में सचमुच बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो गाइस डेफिनेटली वह फिजिशियन से कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही यूज़ करें। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है नीम। नीम इसका मेन इंग्रेडिएंट है, डिबिशा का है। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ओपनर नॉर्मल जैसा ओपनर क्रीम होता है वैसा ही है। और ये है प्रोडक्ट, बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है, 15 ग्राम का प्रोडक्ट है। अब 15 ग्राम का प्रोडक्ट है, देखिए आपको दिखा दूँ एक बार, अगर फोकस ले पा रहा है तो आई थिंक आप देख पा रहे हो। इतनी सा प्रोडक्ट है, देखिए इतनी सा प्रोडक्ट है। और हमारी सबकी फेवरेट हीरोइन प्रीति ज़िंटा इसकी ऐड कर रही है, तो सोच ही सकते हो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये कोई कॉस्मेटिक्स नहीं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और मैं आपको एक बार मेरे हैंड में इसको लगा के तो इसी दिखा देती हूँ। ये देखिए जेल फॉर्म में आता है, कोई क्रीम फॉर्म नहीं है गाइस, पहले ही बताया मैंने, जेल फॉर्म में जैसे एलोवेरा जेल है वैसे ही जेल है, नथिंग एल्स। और इसका जो स्मेल है क्या बताऊँ, मुझे पर्सनली इसका स्मेल पसंद नहीं आया। आई डोंट नो कि अगर आप यूज़ कर चुके हो, आप जानते हो, मुझे आपको पसंद आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, पर मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। तो नॉर्मली जहाँ पर आपका, जिस एरिया में आपके फेस के पिंपल है, आप इजीली उसे यूज़ कर लीजिए, थोड़ी सी आपको यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि होल फेस में आप यूज़ कर लो इसे, ठीक है। क्रीम जेल क्रीम है फॉर्म, इतना सा आपको अगर आपके यहाँ पर हुई है बस वन ड्रॉप आपका ऐसे पेंच करना है, नथिंग एल्स। तो बहुत दिनों तक आपके टिकने वाला ये चीज़, इस्तेमाल ठीक तरह से करिए, कोई अलग सा स्पेस में फ्रिज में मत रखिए, नॉर्मली जहाँ बास्केट में अगर आप जहाँ पर कॉस्मेटिक्स रखते हो वहाँ पर ही रखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गाइस मैंने आपको सब कुछ स्किन के बारे में डिटेल्स बोल दिया है, अगर पिक्चर देखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है मैं स्किन में अलग अलग जगह में पिंपल, ये जो क्रीम है, सॉरी मैं बार बार क्रीम बोल रही हूँ, नहीं ये जेल है, तो मैं इस प्रोडक्ट की जो पिक्चर है अलग अलग जगह में मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोग को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ कहाँ से परचेस करें वो लिंक भी दे दूंगी कि आप डिविशा के पास से परचेस कर लें। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को एक थम्स अप कर दीजिए, डिसलाइक का ऑप्शन नहीं है शायद, तो डिसलाइक मत कीजिए इस वीडियो को क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर हेल्पफुल नहीं होने वाला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आई 100% श्योर कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। तो गाइज यही तक आज की वीडियो था, और एक बता दूँ अभी से एवरीडे मैं कोशिश करूँगी वीडियो अपलोड करने आप सभी के लिए। तो गाइज प्लीज़ स्टे ट्यून मेरे चैनल में, बने रहिए वीडियो के साथ और मेरे साथ क्या क्या वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। और एक बात प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मेरे इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी डिटेल्स आपको जानना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो यहाँ तक ही, नेक्स्ट वीडियो के